मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। आज इलाहाबाद में संपन्न हुआ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का एक दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यक्रम। प्रशिक्षक के रूप में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय प्रेम कुमार गडाम ने हजारों विद्यार्थियों को दिया ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। किसान के ऊपर आफत ही आफत। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर डीएपी का 9000 बोरी खाद भीग कर हो गया खराब। गोदाम अधिकारी से बात करने पर कहा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह बात ठेकेदार को सोचनी चाहिए। जबकि यह डीएपी खाद सोनभद्र के किसानों के लिए मंगाया गया जो स्टेशन पर भीग कर हो गया पानी पानी। योगी के घर गोरखपुर में सड़कें बन चुकी हैं तालाब। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के इस तस्वीर को देखें तो पहचान नहीं सकेंगे कि सड़क है या तालाब। यह तस्वीर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के सिकरीगंज की है, जहां की सड़कें तालाब नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद के गांव गांव में देखने को मिला भामसेवा एवं भारत मुक्ति मोर्चा का आयोजन। इन कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं हिस्सा, जहां इन कार्यक्रम में मूल निवासियों में बढ़ रही है जागृति। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, मोदी सरकार में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का ग्राफ। भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा करने वाली केंद्र सरकार की हकीकत। मामला सोनीपत जिले का है, जहां पंचायत विभाग द्वारा वाटर कूलर और डस्टबिन की खरीद फरोख्त में 1 करोड़ का घोटाला कर दिया। कानपुर देहात में ईवीएम के विरोध में हस्ताक्षर अभियान पकड़ा जोर। गौरतलब है भारत मुक्ति मोर्चा ने ईवीएम के विरोध के विरोध में देश में 500 जिलों में 500 करोड़ लोगों के बीच शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। इस हस्ताक्षर अभियान में जोरदार मिल रहा है समर्थन।